आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। हाल ही में शहर में बड़ी संख्या में चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान आम वाहन चालकों को रोककर पूछताछ करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे का बीच में एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण घरों से बाहर निकल रहे लोगों को अकारण परेशान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस व अन्य अधिकारियों से आग्रह भी किया था। उसके बाद भी शहर में बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मी चेकिंग कार्य में लगे हुए हैं। इसी तरह की चेकिंग आज रीगल तिराहे पर रविंद्रनाथ गृह वाली रोड पर हो रही थी। यहां चेकिंग कर रहे ट्रैफिक सूबेदार ब्रजराज सिंह अजनोर ने बताया कि हम सिर्फ रेड लाइट उल्लंघन, 3 सवारी एवं नो एंट्री में प्रवेश के ही चालान बना रहे हैं, जिससे जनता में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बनी रहे और यातायात भी सुगम रूप से चलता रहे। बाकी पेपर एवं हेलमेट को लेकर जनता को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जा रहा है। वाहन चालक द्वारा उचित समस्या बताने पर उन्हें छोड़ा भी जा रहा है। चालानी कार्रवाई सामान्यतः रेड लाइट उल्लंघन और रॉन्ग साइड जो लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ की जा रही है जी। बस यही नॉर्मल कार्रवाई है। इसके अलावा जो 3 सवारी वाहन पे चल रहे हैं, 3 सवारी चलने वाले नंबर प्लेट का इशू जिनमें है, कुछ गाड़ियां डार्क ब्लैक फिल्म लगा के चल रही है, रॉन्ग साइड और रेड लाइट का हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, जेन्युइन जो समस्याएं लोगों की है उनको बिल्कुल छोड़ा जा रहा है। जो पहले चेकिंग होती थी रूटीन चेकिंग पेपर्स वगैरह की, पेपर वगैरह किसी तरह के कोई चेक नहीं किए जा रहे हैं जी। केवल और केवल आप रेड लाइट और रॉन्ग साइड, ये लोगों की आदतें सुधारने के लिए किया जा रहा है जी। कुछ कुछ लोगों की हैबिट बन चुकी है रेड लाइट का क्रॉस करना, रॉन्ग साइड चलना जी। उसको सुधार के लेके कार्रवाई है। सर हेलमेट वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हेलमेट की चालानी कार्रवाई नहीं की, हेलमेट सीट बेल्ट की कार्रवाई नहीं किया।